हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये अपना कस्टर्ड पाउडर आइसक्रीम होगा। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही लजीज और जायकेदार है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइसक्रीम बनाने के लिए एक बोल में 4 चम्मच वेनिला कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे। तो आप कोई भी फ्लेवर का यहाँ पे पाउडर ले सकती हैं। यहाँ पे हमने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। पाउडर में हम कच्चा दूध डाल के इसका एक घोल बनाएंगे। ध्यान रहे, आप इसमें गर्म दूध कभी भी मत डालिएगा, नहीं तो गुठलियां पड़ जाती है, जो कि उबाल के टाइम पकता नहीं है अच्छे से। तो हम अच्छे से एक घोल बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी कस्टर्ड घोल एकदम बढ़िया बन के तैयार हो गई है। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमें कड़ाही ले ली है और इसमें हम डाल देंगे 1 लीटर दूध। तो यहाँ पे आप चाहें तो उबला हुआ दूध लें या कच्चा दूध लें। दूध को हम गैस पे उबाल लेंगे। दूध को हम चलाते हुए उबालेंगे ताकि पेंदी में दूध थोड़ा भी न जमे। उबलने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने दूध को उबलने के बाद 5 मिनट तक चला लिया है। अपनी दूध गाढ़ी हो गई है। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप फुल क्रीम दूध लें तो ही आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हमने जो कस्टर्ड का घोल बनाया था उसे एक बार और चला लेंगे, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर तले में बहुत जल्दी बैठ जाता है। अब हम इसे दूध में ऐड करेंगे। तो हम एक हाथ से दूध चलाएंगे और दूसरे हाथ से कस्टर्ड का घोल डालेंगे। ये स्टेप बहुत ही जरूरी है, नहीं तो कस्टर्ड अच्छे से दूध में मिक्स नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे कस्टर्ड डाल दिया। आप देखेंगे कि कस्टर्ड डालने के बाद बहुत जल्दी अपनी दूध गाढ़ी होने लगती है। तो यहाँ पे हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। ज्यादा से 2 से 3 मिनट लगता है, अपना कस्टर्ड अच्छे से पक जाता है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे यहाँ पे शक्कर। तो यहाँ पे हमने 100 ग्राम शक्कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने जहां तक कोशिश किया है कि हमारे घर में जितना सामान अवेलेबल हो उसी से हम आइसक्रीम बनाएं और सेम बाजार के जैसा बना के आपको दिखाएं। तो आप देख सकते हैं अपनी दूध गाढ़ी होने लगी। हमने शक्कर के साथ कस्टर्ड को पका लिया है। आप इसका थिकनेस देखिए, हम चमची को पलट दे रहे हैं तो ये गाढ़ा बेटर जम जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अपनी कस्टर्ड अच्छे से पक चुकी है और इसका गाढ़ापन भी सही है। इतना ही हमें पकाना है। हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और चलाते हुए कस्टर्ड को हम रूम टेम्परेचर तक ले आएंगे। अपना कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। तो हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसे फॉइल पेपर से ऐसे कवर करते हुए और फ्रीजर में रख देंगे। हम इस बोल को फ्रीजर में 1 घंटे के लिए रख लेंगे। फ्रेंड्स, हमने रूम टेम्परेचर पे अपना कस्टर्ड आने के बाद फॉइल पेपर से कवर करके फ्रीजर में इसे 1 से 1.5 घंटा तक रखा था। थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है और हम यहाँ पे जो क्रीम यूज करेंगे वो मेरा होममेड क्रीम है, यानी कि हमने दूध का मलाई उतार के रखा है। तो हमें इसे व्हिप करने के लिए फ्रीजर में अपने मिक्सर जार को 1 से 1.5 घंटा तक ठंडा कर लेना है, तभी अच्छे से वो व्हिप होता है। तभी भी आप होममेड क्रीम यूज करें तो ये प्रोसेस जरूर करें। तो चलिए हम इसे पहले ब्लेंड कर लेते हैं। तो हम अपने क्रीम को मिक्सर जार में डाल देंगे। ध्यान रहे, ये हमारी ताजी ताजी मलाई है, इसमें ज्यादा पुराना मलाई नहीं डाला जाता है, नहीं तो टेस्ट खराब हो जाता है। अगर ताजी मलाई हो तो आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही टेस्टी होता है। चलिए हम इसे ब्लेंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी क्रीम जो है काफी फ्लफी हो चुकी है। इस स्टेज पे हमने जो ये कस्टर्ड रखा है उसको डाल लेंगे। तो हम चम्मच की मदद से इसी मिक्सर जार में कस्टर्ड डाल लेंगे। आप देख सकते हैं
कैसे जम गया है अपना कस्टर्ड, क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है, जस्ट ये जमा है, तब हम इसे पीस लेंगे। तो हमने इसमें अपना कस्टर्ड का वो डाल दिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फूड कलर डाल लेंगे जिससे कलर उभर के आए। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और चलिए हम ब्लेंड करके दिखाते हैं इसे। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, हमने क्रीम के साथ अपना कस्टर्ड अच्छे से मिक्सर में पीस लिया है। कितना बढ़िया हुआ है अपना आइसक्रीम का बेस तैयार। चलिए हम इसे 4 से 5 घंटा फिर फ्रीजर में रख के और एक बार और इसे मिक्सर में हम फेंट लेंगे, तभी अपना आइसक्रीम बाजार जैसी तैयार होगा। तो हमने जो पहले बॉल लिया था उसी में ट्रांसफर कर देंगे और फिर से हम इसे फॉइल पेपर से कवर करके फ्रीजर में रख देंगे। देखने में कितना सुंदर लग रहा है, आप ध्यान से देखिए। तो हम सिर्फ फॉइल पेपर से इसे कवर करके और फ्रीजर में 3 से 4 घंटा के लिए रख दे रहे हैं। 4 घंटा हो चुका है, हम फ्रीजर से निकाले हैं अपना आइसक्रीम। तो आप एक बार देख लीजिए, ये परफेक्ट नहीं जमा है, आधा आधा जमा है। इस स्टेज पे हम इसे मिक्सर जार में डाल के एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। वही मिक्सर है जिसे हमने फ्रिज में रख दिया था। बड़ा ब्लेंडर में डाले हैं तो बिल्कुल आइसक्रीम की जैसे इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक टिफिन बॉक्स या कोई कंटेनर ले लेंगे। तो मेरे पास ये बेकरी वाला डब्बा है, इसमें मैं सेट करने के लिए रख रही हूँ। आपके पास कुछ भी डब्बा हो यानी कि जिसको कवर कर सके, उसमें डाल के आप आइसक्रीम सेट होने के लिए रख सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें सेट होने के लिए रख रही हूँ। तो हमने डब्बे में अच्छे से अपना आइसक्रीम भर लिया है। अब हम फॉइल पेपर से ऐसे इसको कवर कर लेंगे। इससे क्या होगा, ऊपर वाली परत क्रिस्टलाइज नहीं होती है। अब हम इसे अच्छे से ढक लेंगे और फ्रीजर में रख देंगे। 8 घंटा हो चुका है, हमने फ्रीजर से आइसक्रीम को निकाल लिया है। तो चलिए देख लेते हैं अपनी आइसक्रीम कैसी जमी है। तो हम पहले ढक्कन को खोल देंगे और फिर ये कवर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपनी आइसक्रीम जमी है। तो हमारे पास आइस निकालने वाला आइसेस कुक तो नहीं है, पर हम ये दाल वाली चमची से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए कैसे अपनी आइस निकल रही है। इतना बढ़िया अपना आइस निकल रहा है। बिल्कुल मार्केट जैसा निकला है। तो हम इसे एक बॉल में रखते जाएंगे। फ्रेंड्स आपको लग रहा है ये घर का आइसक्रीम है, हमने बाजार से भी टेस्टी और फ्रेश बना के तैयार किया है। चलिए बाकी भी हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो हमने अच्छे से आइसक्रीम को निकाल लिया है, प्लेटिंग कर लिया है। अब थोड़ा सा हम इसे टूटी फ्रूटी से ऐसे गार्निश कर रहे हैं। फ्रेंड इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाला जाता है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, परफेक्ट आइसक्रीम घर पे बनाना कितना आसान है, कोई परेशानी नहीं, एकदम साफ सुथरी। आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइए, खिलाइए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।